तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देसी व्लॉगर पर। और आज हम आए पितृ पर्वत पर और इस पितृ पर्वत का हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चलिए हम आपको ये भंवर कुआं से हम सिटी बस M4 में बैठेंगे जो बड़ा गणपति तक जाएगी। बड़ा गणपति से हम बस चेंज कर देंगे जो पितृ पर्वत के लिए, और यहाँ से पितृ पर्वत तक का किराया 20 रुपये है। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप मेरे हिसाब से वन डे टिकट मतलब पास बनवा लें, 30 रुपये का बनता है अगर आप मतलब भंवर कुआं के आसपास रहते हो तो, जिससे आपको 50 रुपये तक का लगभग फ़ायदा हो सकता है। तो फाइनली दोस्तों हम पितृ पर्वत पहुँच चुके हैं। अभी अभी जस्ट हम बस से उतरे हैं, ये बस हमारी यहीं पर खड़ी है, हम जस्ट अभी उतर के आए ही हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पितृ पर्वत का गेट है, मेन गेट। यहाँ से भी थोड़ा आगे चल के आते हैं तो ये हमारा सेकंड गेट मिलता है, यहाँ से हम मतलब फाइनल अंदर चले जाते हैं। और यहाँ आप देख, यहाँ से दो रास्ते हैं, एक जो है सीढ़ी वाला सिस्टम है एक पर, और एक है रोड बना हुआ। तो जो रोड वाला है वहाँ पर से कार गाड़ियाँ सीधे ऊपर चढ़ सकती है, और सीढ़ी वाले से हम सिंपली चढ़ सकते हैं। तो हम फिलहाल चढ़ रहे टाइम पर सीढ़ी से चढ़ेंगे और उतरते हुए मतलब रोड से आएंगे। तो हम क्या है कि आपको दोनों तरफ को बता सकते हैं। तो दोस्तों आप भी मतलब यहाँ पर आते हो तो यहाँ का मतलब जो नज़ारा है उसका आप पूरी तरफ से आनंद ले सकते हो। दोस्तों बारिश का मौसम है और व्यू बहुत ही सुनहरा है, तो आप भी मेरे चैनल पर बने रहिए। और हम आपको आगे बताते हैं हनुमान जी। चालू है। अरे क्या आज हम आए पितृ पर्वत की ओर। गाइस आज मौसम बड़ा प्यारा है, साउंड बाद में एडजस्ट कर लेना। नज़ारा बहुत प्यारा है। तो फाइनली दोस्तों हम आखिरकार पितृ पर्वत की भव्य मूर्ति पर हम पहुंच ही गए। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो मूर्ति है ना, ये 108 टन वजनी है, और ये इंदौर शहर से थोड़े आउटसाइड स्थित है। तो थोड़े दिन पहले यहां पर अभी हवन हुआ था, तो ये हवन का अभी भी थोड़ा ऐसे बिखरा हुआ है। तो दोस्तों आप चलते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से आगे अब ऊपर की ओर चलते हैं, जहाँ पर हनुमान जी की भव्य मूर्ति के हमसे दर्शन होंगे। तो हम यहाँ सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ेंगे। ठीक है चलिए, ये सीढ़ी से हम ऊपर चढ़ रहे हैं। बाहर ऊपर से देखने पर बाहर का नज़ारा भी मस्त, और ये हनुमान जी की जो भव्य मूर्ति है ना, इनके पास रहने पर जो फीलिंग होती है ना, वो एक अलग ही लेवल की है। तो दोस्तों आप भी कभी आना चाहते हो तो यहाँ पर आइए, मतलब जीवन में एक बार यहाँ पर जरूर आइए अगर आप इंदौर के आसपास रहते हो तो। Thank you.
इधर पेड़ लगाया हुआ 18 साल हो गए, 18 उनकी याद में आप एक पेड़ लगाओ, पौधा लगाइए छोटा पौधा, आप उसे उसको लगाना है, आपका नाम हो जाएगा, बाकी जो उसकी मतलब जो उसका पालन पोषण है वो नगर निगम वाले करेंगे, वो जहाँ तक बड़ा नहीं हो जाता वहाँ तक। दोस्तों अगर आप यहाँ पर बारिश के दिनों में आते हो तो एक पौधा लगाइए, अवश्य लगाइए। ये सामने एरोप्लेन चल रहे हैं, आपको अगर सीधा यहाँ पर उतरना है तो आप डायरेक्ट आ सकते हैं, 5 रुपये टिकट है इसकी। तो ये एंट्री गेट से हम आउट आउट चलो आ जाइए, गन्ने का जूस बना रहे, आ जाओ आ जाओ। तो हम हमारे दोस्त के पास जा, भाई क्या गिलास दे रहे हैं? 10 रुपये। 15 रुपये यार, क्या भाव बढ़ा दिया है, हम तो 10 रुपये में पीते हैं। ये हमारा छोटू स्टार है, छोटू स्टार पित्र पर्वत पर हमारे छोटे उस्ताद हमको गन्ने का जूस पिला रहे हैं। ये मतलब बहुत ही कम उम्र में ये मतलब इससे आगे बढ़ चुके हैं, ये हमारे पित्र पर्वत। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भंवर कुआं से इसकी दूरी लगभग 17 से 18 किलोमीटर है, और गंगवाल बस स्टैंड जो धार रोड है वहाँ से इसकी दूरी 8 किलोमीटर, और एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर की दूरी पर है ये पित्र पर्वत। और हम आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं और चलते हैं अपने घर की ओर। तो दोस्तों आप भी अगर आप अगला वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू।